फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज की इस क्लास में। और आपको कल की क्लास में आपको मालूम होना चाहिए कि हम सब अपने दो पड़ाव पर थे। कल की जो चैप्टर हमारी थी वो हमने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों को देखा था कि किस प्रकार से विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने किस क्षेत्र पर काम किया है और उनके मनोविज्ञान के क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में कितनी महत्ता थी। उम्मीद करते हैं कि मेरियो मॉन्टेसरी से लेकर के जीन पियाजे तक की पूरी कहानी जो कल की क्लास में मैंने रची थी छात्रगण, वो आत्मसात कर लिए होंगे। और साथ ही साथ कल के जो शब्द आपको बताए थे, पर्सनालिटी तो परसोना, एडोलेशंस तो एडोलेशिया, इन तमाम वर्डों को भी आप सबों ने पूरी तरह से याद करने का प्रयास किया होगा। आज हम सब बिल्कुल बेहद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सीटेट और जेटेट का पार्ट हुआ करता है, निश्चित रूप से एकदम एक क्वेश्चन जो है आने ही आने हैं वहाँ पे छात्रगण, उस चैप्टर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसको पहला टॉपिक आप कह सकते हैं छात्रगण, और वो होगा मेरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। छात्र जो इसकी पूरी कहानी चलती है NCF की, ये पहले आप अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिए। अपना कॉपी पेन, मैंने कल ही बता दिया था कि पूरी तरह से कॉपी पेन आप लेकर के बैठेंगे, एक एक चैप्टर का कंटेंट वाइज आपको एकदम पूरी तरह से नोट्स लिखाएंगे, क्योंकि बाल विकास है, पूरी नोट्स ही आपको मदद करेगी। अभी से लेकर जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, पूरी नोट्स आपको बहुत बहुत मददगार साबित होगी। पूरी कहानी जो NCF की चलनी है छात्रगण, जो चलती है वो कहता क्या है, इसकी बातें नहीं करूं। अभी तक के जो पाठ्यचर्या थे, अभी तक के जो पाठ्यक्रम थे विद्यालय स्तर पर, कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, ये पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम था जिससे बच्चे किताबी ज्ञान तो ले पा रहे थे, लेकिन इस किताबी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से नहीं जोड़ पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि फलाने बच्चे ने ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण की है और बच्चे बाहर निकले हैं और उन्हें सरकारी नौकरी लग गई या कोई भी नौकरी लग गई। अर्थात यह तय माना जा रहा था कि आज की जो करिकुलम है, आज की जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यचर्या है, इसमें निश्चित रूप से कुछ नए इंप्लीमेंटेशन करने होंगे और साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम हमारा दिया गया है उसमें बहुत ही जबरदस्त बदलाव की आवश्यकता थी। इसी के मद्देनजर छात्रगण वर्ष 2005 में शिक्षा जगत में एक नई क्रांति आई थी छात्रगण, और वो क्रांति था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दैट इज 2005। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, हम सिंपल अगर हिंदी में बात करें तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, दैट इज कॉल्ड द फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का संकलन किया गया छात्रगण और यह पूरी तरह से पाठ्यचर्या हमारे पास आया। सरकार का यह मानना है, इस पूरे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का जो पूरी जिम्मेवारी हुई, जो पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया, यह पूरी तरह से HRD मिनिस्ट्री के था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार कहा जाता है, उनके माध्यम से कई प्रकार के डेलीगेट्स, जिसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स थे, कुछ वैज्ञानिक थे, भारत के बहुत महान महान शिक्षाविद, इनके पूरे फ्रेमवर्क को, इनके पूरी रूपरेखा को तैयार करने के लिए उन्होंने अपना अहम योगदान दिया था छात्रगण। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो पूरी तरह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था वो एक ऐसी पाठ्यचर्या बच्चों के समक्ष में प्रस्तुत किया जाना था कि बच्चे पढ़ लिख करके आगे अपने पुस्तकीय ज्ञान को, जो पुस्तक का ज्ञान जो बच्चा गेट कर रहा है, उसे वो बाह्य ज्ञान से जोड़ सके। नंबर वन, विद्यालयी ज्ञान को बाह्य ज्ञान से जोड़ा जाना, इसका पहला फंडा था। दूसरा फंडा था
जो इसमें हम लोगों ने देखा था कि बच्चों को रटंत प्रणाली से बाहर निकाला जाए। जनरली आप देखते थे कि बच्चों में SST या अन्य विषय रटते रटते उनमें निराशा की भावना पैदा हो जाती है और बच्चे फिर बाद में पढ़ाई ड्रॉप आउट कर जाते हैं, छिजित हो जाते हैं। वैसे बच्चे, इन बच्चों को पटरी पर लाने के लिए जो सबसे अहम प्रयास जो किया गया था छात्रगण, उसमें यह था कि हम लोग एक ऐसी पाठ्यचर्या बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करें कि बच्चे पढ़ लिख करके अपने विद्यालय ज्ञान को बाह्य ज्ञान से जोड़ सकें। बहुत सारी चुनौतियां थी छात्रगण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने में, लेकिन इन तमाम मुश्किलों को, विघ्न बाधाओं को पार करते हुए सरकार ने अब आज की डेट में तमाम विद्यालयों के, तमाम स्टेट के स्कूल्स में, कॉलेजेस में आज जो है हमारे किताबें बदल गई हैं, कई लेसन्स नए जोड़े गए हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि जब बच्चा पढ़ लिख करके बाहर निकले तो उसे एक अच्छे तरह से सरकारी नौकरी मिले या कोई भी नौकरी उसे प्राप्त हो जाए, मतलब उनके जीवन जीने का संकल्प उनका पैदा हो। दूसरी जो सबसे अहम बात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में की गई थी छात्रगण, वो था अंग्रेजी विषय को लेकर के, इंग्लिश विषय को लेकर के। इंग्लिश विषय के तहत ये कहा गया था कि जब तक बच्चे इंग्लिश विषय में स्मार्ट नहीं होंगे, इंग्लिश विषय में अच्छे नहीं होंगे, वो जीवन के दौड़ पर भाग नहीं ले सकते थे। दूसरी तर्क दी गई थी कि यह प्रबुद्धों की विषय है, ये प्रबुद्ध लोग इसको जानता है, पढ़ता है, इसलिए इंग्लिश सीखा जाना बहुत बहुत जरूरी था। इसलिए प्राइमरी लेवल पर ही अंग्रेजी विषय का इंट्रोडक्शन कर दिया गया था छात्रगण, और इंग्लिश विषय जो है अनिवार्य रूप से रखे जाने की वकालत की गई थी, जहां तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की बातें हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि पूरी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का जो कक्षा है वो 1 से लेकर के 12 तक, वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 12 तक, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की ये पाठ्यचर्या की बातें करता है छात्रगण। ये कहता है कि किस प्रकार से बच्चों को हम रटंत प्रणाली से बाहर करेंगे, किस प्रकार से बच्चों को विद्यालय के ज्ञान को हम बाह्य ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अमूमन ये आपको भी लगता होगा कि सर जब अभी तक की जो स्थिति थी, बच्चा गणित में बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में वो उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, क्लास में वो पूरी तरह से जानता है लेकिन बाजार जाता है पूछता है कि 1 पाव हमको आलू दो या 1 पाव कुछ सामान दो, तो उसका रेट नहीं निकाल पा रहा है। अंडा अगर 70 रुपये दर्जन है तो बच्चा 1 अंडा का कीमत नहीं निकाल पा रहा है, 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं वो 7 रुपया बोल रहा है। ऐसी कई प्रकार की कहानियां थी छात्रगण, जिसमें सरकार को यह लगने लगा था कि आज के जो पाठ्यक्रम हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही दूषित हैं और बच्चे इन पाठ्यक्रम को पढ़कर के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं। इस चीज को पाटने के लिए सरकार ने कई वर्षों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, लेकिन जब 2005 की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जब हमारे बीच में प्रस्तुत किया गया छात्रगण, तो हम सब एक अब तक के सबसे नए दस्तावेज में थे। अभी तक इसके पूर्व में जितने सारे पाठ्यक्रम में चेंजेस किए गए थे उनमें सबसे नया दस्तावेज, जो कहा जाता है कि अब तक का सबसे नया दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था छात्रगण, और वो था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो आइए पूरी तरह से इसके एक एक सुंदर से नोट्स बनाएंगे। इंट्रोडक्शन आपको मैंने डाल दिया है, चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्शन आपको क्रिएट की है। तो वर्ग 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों के बीच में एक ऐसे पाठ्यक्रम की प्रस्तुति किया जाना था छात्रगण, जिसे पढ़ करके वो अपने विद्यालय ज्ञान को बाह्य ज्ञान से जोड़ सके। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण NCF 2005 के रिस्पेक्ट में, और चलिए स्टार्ट हो जाइए। अपना कॉपी पेन निकालिए और एक एक लाइन लिखते जाइए, एक एक लाइन को हम सब डील करते हुए आपके पास से गुजरेंगे। चलिए पहली लाइन यहां पर लिखेंगे, डैश, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF ब्रैकेट खोल करके, NCF ब्रैकेट क्लोज, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के शीर्षक से, दिसंबर 2005 में प्रकाशित हुआ था। अगर मैं थोड़ा आगे भी बढ़ जाऊं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके पूरा नोट्स अपना बना लीजिएगा, है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऑनलाइन कक्षाओं में थोड़ी ये हो सकती है कि मैं थोड़ा जल्दी बोल जाऊं, आप थोड़ा लिख ना पाए, तो वीडियो पॉज करके लैंग्वेज पूरा लिख लीजिएगा, अच्छा से एकदम नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना, दिसंबर 2005 में जो है इसकी जो पूरा शीर्षक से ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका आया था। इस पाठचर्या में, नीचे डैश देकर के लाइन छोड़ दीजिएगा, नीचे डैश देकर के, इस पाठचर्या में वर्ग वन से ही
मातृभाषा के साथ वर्गवन से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की वकालत की गई थी। वर्गवन से ही मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा मतलब अपना अपनी मातृभाषा। बच्चा जो कुछ भी मातृभाषा बोलता है उस मातृभाषा के अलावा, इस मातृभाषा के अलावा प्लस इंग्लिश, ये अनिवार्य विषय होंगे छात्रगण जहां तक एनसीएफ की बात करेंगे। लैंग्वेज पूरा कर लिए थे, वर्ग वन से ही, कक्षा वन से ही मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की वकालत की गई थी। ठीक है, जस्ट उसके आगे बढ़ेंगे, है ना, नीचे डैश। यह विद्यालय शिक्षा की, यह विद्यालय शिक्षा की अब तक का सबसे नवीन दस्तावेज था। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम, अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। अब तक का सबसे नवीनतम, इसके पूर्व में भी कई आए छात्र, लेकिन वो आए आते गए, आए राम गए राम रहे। ये अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ओके, सुंदर से नोट्स बनाते चले जाइएगा। कोई भी इशू होगा कि सर ये लाइन क्लियर नहीं हुआ, हम क्लियर कराएंगे। और अगर बावजूद आपको कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट कर दूंगा। बहुत ज्यादा कमेंट अगर आ गया तो फिर हम लोग इसका डाउट क्लास एक ले लेंगे, है ना। चलिए नीचे डैश बुलेट। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, शिक्षाविदों कर लीजिए, है ना, शिक्षाविदों कॉमा देकर के वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों कर लीजिए कॉमा देकर के विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया था, व अध्यापकों ने मिलकर, व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया था। ओके, नीचे बुलेट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, भारत सरकार इसको हम लोग बोलते हैं HRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार HRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार HRD की पहल पर, नोट्स को आगे बढ़ाइएगा, की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, से सुपर हिट क्वेश्चन, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में चुने हुए विद्वानों, चुने हुए विद्वानों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई। हो गया अच्छी तरह से, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ भी चलाना है क्योंकि लिखने आपको बहुत ज्यादा लिखना है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन राउंड हुआ। इंट्रोडक्शन राउंड में आपने देखा छात्रगण कि किस प्रकार से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं के निर्माण किए गए हैं। अब जितना लिखा है उस पर क्वेश्चन आंसर राउंड चला देते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए। निम्नलिखित में से किन वर्षों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण किया गया था? वर्ष 2005। किस महीने में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का नया दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था? दिसंबर 2005 में। दैट्स वेरी गुड। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किया गया था? प्रोफेसर यशपाल। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जा रहे हैं। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण के लिए जिम्मेवार है? कौन सा मंत्रालय? तो HRD मिनिस्ट्री, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के नाम से जाना जाता है छात्रगण। देखिए ये तमाम ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होंगे, जो इन विषयों के पाठ होंगे छात्रगण,
उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से अपने आप पेडागॉजी को समझ रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह से इसे लिखने का प्रयास कर रहे होंगे, है ना। सुंदर से नोट्स बनाइएगा, लाल पीला हरा कर सकते हैं, आप एकदम फ्री हैं, घर में आप बैठे हैं, जैसे मन है सुंदर से नोट्स बनाना है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल दूं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और अपना नोट सुन करके अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ओके, चलिए आगे की बातें करते हैं और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके मार्गदर्शी सिद्धांत क्या थे, NCF के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या थे, कौन कौन से मार्ग पर हमको ये चलने का प्रयास करता है, है ना। बाद में फिर देखेंगे क्लास वाइज जो है कौन कौन सी इसकी किताबें कैसे कैसे चली है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट होगा मार्गदर्शी सिद्धांत, मार्गदर्शी सिद्धांत। NCF के कौन कौन से मार्गदर्शी सिद्धांत है, कौन कौन से इन्होंने मार्गदर्शन दिया, मार्गदर्शन समझते होंगे आप जिस तरह से काउंसलिंग इन इंग्लिश बेसिकली डास्ते करके, बहुत इंपॉर्टेंट। स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ऑब्वियसली हम किताबी नॉलेज ना लें बल्कि इसकी व्यवहारिकता को हम प्रस्तुतिकरण करें, और जब हम बाहर निकल जाएं छात्रगण तो हमारा बाहर का नॉलेज होगा, उन बाहरी नॉलेजों पर हम अपने पढ़ी हुई चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें, इसकी बातें NCF करता है। ठीक है, तो एकदम याद रखते जाइएगा, चूंकि डायरेक्ट वहां पर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक NCF के मार्गदर्शी सिद्धांत है, तो पॉइंट वाइज आपको याद नहीं रहेगा तो ऐसे प्रश्न बना पाने में आप क्या होंगे, कामयाब नहीं होंगे। तो बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को करना है कि कौन कौन से मार्गदर्शी सिद्धांत थे, क्या थे, है ना। नीचे डैश, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ये बहुत बड़ी बात NCF में कही गई है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। आज बच्चे रटने के लिए क्या हो जाते थे, आतुर रहते थे कि हमको रटना है। इन्हीं चीजों से हमें दूर करने का प्रयास करना है, तो पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ओके, नेक्स्ट मार्गदर्शी सिद्धांत है इसमें पाठचर्या, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित का तात्पर्य क्या हो गया कि बच्चा को जो चीज पढ़ाया जा रहा है, सपोज कीजिए कि हम बच्चों को हवा के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, हवा के बारे में पढ़ा रहे हैं, बच्चा हवा के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन हवा में कौन कौन से मिश्रण होते हैं, हवा किन किन तत्वों से बन करके बना हुआ है, यह बच्चा को जानकारी नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर के इसके तमाम बाउंड्रीज को, इसके पूरी तरह से एडवेंचरस कंसेप्ट को बच्चों के बीच में प्रैक्टिस करने की बातें करता है। तो NCF की ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी छात्रगण कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना बना करके बल्कि उसको बाहरी जीवन से जोड़ करके उसके कई बाउंड्रीज कि हम जब हवा पढ़ाए तो हवा में भाई कौन कौन चीज ये होता है, ये तमाम चीजों को मिला करके केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना लिया जाए, उस पर कई से कई एक्टिविटीज कराया जाए, बच्चे बाहर जाकर के इन चीजों को देख करके सीखने का प्रयास करें। इन चीजों के लिए छात्रगण हम सबों ने NCF की रिपोर्ट के मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत में इसे रखा है। एक एक मार्गदर्शी सिद्धांत को आप आत्मसात करके रखेंगे, चूंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन NCF के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, तो वहां ये पॉइंट याद रहेगा तो आपको सिंपली से क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे नहीं लगता है एक बार आपको समझा देंगे, इस तरह से बक देंगे तो आपको पूरा चीज दिमाग में हो जाएगा। खाना बनाते हुए, कुछ भी करते हुए अपना ईयरफोन लगाइए और ईयरफोन लगा के मेरी वीडियो खरीद उसको पॉज कर वीडियो को चलाते रहिए, और या फिर ऑडियो मोड पर ले जाइए और ऑडियो मोड पर केवल सुनते रहिए, सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा कक्ष को क्लासरूम को गतिविधियों से जोड़ा जाए। गतिविधि हो गया एक्टिविटी, गतिविधि का मतलब एक्टिविटी। तो कक्षा कक्ष को क्लासरूम को एक्टिविटी से, गतिविधियों से जोड़ा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई कि कक्षा कक्ष को क्लासरूम को गतिविधि। मैक्सिमम बच्चा को NCF यही कहता है कि यदि बच्चे को रटंत प्रणाली से हमें बाहर करना है तो उसके पूरे क्लास को, पूरे कक्षा कक्ष को एक्टिविटी बेस्ड बनाइए। हमें कुछ भी सपोज कीजिए त्रिभुज पढ़ाना है तो त्रिभुज की कई आकृतियां बच्चों को बोलेंगे बना करके दिखाओ, तीन आकृतियों से घिरा हुआ क्षेत्र बनाओ, तो बच्चा कई तीन आकृतियों से घिरा हुआ क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है छात्रगण। तो इन बातों को विशेष रूप से ख्याल रखेंगे कि इस स्तर से हमने ये करने का प्रयास किया है और उसी स्तर से आप इसको बनाएंगे, ठीक है ना।
तो कक्षा कक्षा में मैक्सिमम एक्टिविटीज, एक्टिविटीज क्यों बताइए तो जरा सा, एक्टिविटीज इसलिए ताकि सर रटने से बच्चा क्या हो जाए, बच जाए, किया हुआ काम प्रैक्टिकल अप्रोच पे किया हुआ काम रटने की प्रणाली से हमें क्या करेगा, बचाएगा कि नहीं बचाएगा, इन बातों को विशेष रूप से ख्याल रखेंगे छात्रगण। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कार्यक्रम चलते हैं, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान, आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, इसका तात्पर्य यही हुआ छात्रगण कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज, अपने देश के लिए जो अपने आदर्शों, मूल्यों और नैतिकता का परिचय देता हो छात्रगण, ऐसे विद्यार्थी तैयार करने की आवश्यकता है ताकि वो पढ़ लिख करके जब समाज का रक्षा करेगा, पढ़ लिख करके जब वो बाहर निकलेगा तो न सिर्फ वो अपनी समाज की रक्षा करेगा बल्कि अपने देश के लिए वो कुछ कर गुजरने की तमन्नाओं का विकास करेगा छात्रगण। इसलिए NCF कहता है कि बच्चों में सिर्फ पढ़ाने की बातें अपना करिए, उनके आदर्श और मूल्यों का डेवलपमेंट कीजिए, उसके आदर्शों और मूल्यों का विकास कीजिए, सो दैट कि जब वो बच्चा बाहर निकल करके आए तो एक ऐसा बच्चा तैयार हो जो जीवन के कई सिंक्रोनाइजेशन को, जीवन के कैसे संक्रियाओं को वो बहुत अच्छी तरह से जीने का प्रयास करे छात्रगण। इसी उद्देश्य से इसके मार्गदर्शी सिद्धांत की, इसके मार्गदर्शी सिद्धांत की हम सब बातें करते हैं। ओके, तो ये कुछ चार या पांच आपके मार्गदर्शी सिद्धांत है छात्रगण, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा कर रखेंगे, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन होंगे कि निम्नलिखित में से कौन NCF 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलेंगे, इसका अगले टॉपिक ले लेते हैं NCF का, थोड़ा सा ये है मार्गदर्शी सिद्धांत में, थोड़ा से लंबे चैप्टर्स में जाएंगे। NCF के छात्रगण अगले पड़ाव पर आपको लेकर के चल रहे हैं, और अगला पड़ाव होगा कि NCF ने कौन कौन से प्रमुख सुझाव दिए हैं जिससे कि बच्चों में विद्यालय जीवन पर सुधार किया जाए, विद्यालय के पुस्तकीय ज्ञान से बाहर निकल करके उसको बाह्य ज्ञान से जोड़ा जाए, रटन प्रणाली को हटा करके उन्हें बल्कि आम जीवन से रूबरू होने के लिए उन्होंने कौन कौन से सुझाव प्रस्तुतिकरण किए हैं छात्रगण, इसकी बातें आप सबों के बीच में करेंगे। चलिए तो प्रमुख सुझाव की बातें कर लेते हैं, कौन कौन से इसके प्रमुख सुझाव थे। नंबर वन, NCF सबसे पहले कहता है कि बच्चा को ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने की बातें करता है। लैंग्वेज लिखा दे रहे हैं, अभी समझा रहे थे, ठीक है, लिखिए लैंग्वेज, लिखिए शिक्षण सूत्रों, लैंग्वेज, हाँ शिक्षण सूत्रों, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, कॉमा लगा दीजिएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, आदि का अधिकतम प्रयोग हो, आदि का अधिकतम प्रयोग हो, ठीक है ना। ज्ञात से अज्ञात सिंपल सा बात है, आप खुद देखिए, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, दोनों को समझ लीजिए। जब हम ज्ञात से अज्ञात की बात करते हैं, अगर हम किसी चीज की जानकारी गेट करते हैं, ठीक है ना, दोनों ये वर्डिंग को भी समझना बहुत जरूरी है। पेडागॉजी में वर्ड पे अगर आपका कमांड है, मतलब बोला जाता है जैसे इंग्लिश में वर्ड याद करते हैं उसी प्रकार से आपका मीनिंग समझ जाइए तो आधा क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा। ज्ञात से अज्ञात, कोई बच्चा किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से जान रहा है तो उस पर और अधिक जानने का प्रयास करेगा भले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। आप कल्पना कीजिए छात्रगण, आज हम सब, अभी तक कोई कल्पना किया था कि सर हम लोग घर बैठे मोबाइल पे पढ़ेंगे, मोबाइल पे टेलीविजन देखेंगे, लाइव टेलीविजन देखेंगे, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़े। मेरे पास पहले VCR और VCP चलता था, अब DVD का भी जमाना नहीं रहा, अब तो पेनड्राइव का जमाना है, पेनड्राइव डालिए, अब वो भी जमाना खत्म हो गया, ब्लूटूथ का जमाना है। तो छात्रगण आप कल्पना कर लीजिए कि हम सब ज्ञात से अज्ञात की ओर कैसे उन्मुख हुए हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इन्हीं बातों पर विशेष फोकस करता है, विशेष ध्यान देता है कि हम बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के चले। साथ ही साथ मूर्त वर्ड क्या है, मूर्त क्या है, देखो ये ब्लैक बोर्ड जो आपको दिख रहा है, जो चीज आप देख पाते हैं, जो चीज दिख रहा है वो है मूर्त, अमूर्त छात्रगण जो मुझे नहीं दिखता है। आप कल्पना कीजिए आज हम मंगल पे पहुंच गए, आज हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन क्या चांद पर जाकर के हमने सैटेलाइट उसके सामने में जाकर रखा है, नहीं ना।
अंतरिक्ष पर आज हम सब पहुंच गए, लेकिन क्या अंतरिक्ष पर जाकर के हम सैटेलाइट रखते हैं मैन्युअली? नहीं ना, ये तभी हो सका है जो अमूर्त, अमूर्त जो आपको आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चा को लेके जा रहे हैं, जो चीज जमीन पर बैठ करके हम सब आसमान की बातें कर रहे हैं छात्र, हम आकाश के ऊपर पहुंच रहे हैं, हम जमीन पर बैठे हुए हैं, हमको जरा भी नॉलेज नहीं, पूरी गैलेक्सी की नॉलेज नहीं है, और पूरी गैलेक्सी को हम सब देख पाने में कामयाब हो रहे हैं छात्र। तो कितनी बड़ी बात है कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ जाते हैं। तो जो इन्होंने प्रमुख सुझाव दिया उसमें पहला प्रमुख सुझाव एनसीएफ का यही था कि हम शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर का अधिकतम प्रयोग किया जाए। तो लैंग्वेज पूरा कर लीजिए, शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर अधिकतम, मूर्त से अमूर्त की ओर का लिख लीजिए, बीच में का जोड़ लीजिए, मूर्त से अमूर्त की ओर का अधिकतम प्रयोग करें। ओके, नेक्स्ट वन, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी सेकंड प्रमुख सुझाव था इसका, कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। देखिए ये कहता क्या है सूचना, अगर सपोज कीजिए कि आप चले जा रहे हैं, ठीक है, एक बोर्ड है लिखता है एयरपोर्ट का रास्ता, बोर्ड पे लिखा हुआ था एयरपोर्ट का रास्ता, ठीक है। तो देखिए भाई, कोई भी सूचना होता है वो मन मस्तिष्क पे बहुत इफेक्ट करता है, लेकिन क्या वो आपको पूरा ज्ञान दे पा रहा है वो सूचना, कि ये सूचना जो है इस एयरपोर्ट का रास्ता ये जाता है और ये इतना किलोमीटर पर वहां पे गाड़ी पे ब्रेक लगा दीजिएगा, वो सिर्फ इतना दिखा देता है, एक एरो बना देता है और बोलता है एयरपोर्ट का रास्ता। तो सूचना कंप्लीट ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाना चाहिए छात्रगण, सूचना को सूचना ही तक रखना चाहिए, उसके अंदर डेप्थ में जाकर के उसके ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। इसलिए एनसीएफ कहता है कि सूचना को ज्ञान मानने से क्या हो जाए, बचा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, विशाल पाठ्यक्रम, देखिए बहुत बड़ी बात करता है एनसीएफ, बहुत बड़ी बात करता है, विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबों से एकदम ये बोलता है कि हमको दूर हटा दो। आप देखेंगे कि इन दिनों कितने कॉन्साइज वे में किताबें आई हैं, पतली किताबें हैं, तो ये कहता है कि एकदम हटा दो, हमको दूर कर दो एकदम। तो थर्ड पॉइंट हमारा जाएगा विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। विशाल पाठ्यक्रम थर्ड नंबर पॉइंट होगा आपका, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता के प्रतीक है, असफलता के द्योतक है, ठीक है ना, प्रमुख सुझाव में। नेक्स्ट वन, नंबर चार, चौथा जो इसका प्रमुख सुझाव था एनसीएफ का, वो कहता है कि मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, कोई भी मूल्य जैसे बच्चा को आप सिखाते हैं कि देखो तुम्हें बड़ों के सामने अच्छी तरह से प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या कोई भी अपने देश के प्रति मर मिटने का जज्बा का विकास किया जाना चाहिए, तो यह केवल बोलो नहीं, एक वातावरण डेवलप कीजिए विद्यालय लेवल पर या आम जीवन में या घर में या कहीं भी, ताकि बच्चा उन चीजों को देख करके सीख सके कि वो बड़ा लोग आता है तो देखते हैं कि लोग पहुंच करके प्रणाम करता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार का कंसेप्टों का विकास किया जाना होगा छात्रगण। वहां पे लाइन लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे राइट डाउन होगा छात्रगण, डाज देखकर लिखिए, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एनसीएफ कहता है छात्रगण, जनरली स्कूल लेवल पर क्या है, मोहन प्रथम। आप देखेंगे कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लगातार क्लास में प्रथम आ रहे हैं और बार बार हम लोग उन्हें ही पुरस्कृत कर रहे हैं। दूसरे बच्चों में ऐसी बातों से हीन भावना का विकास हो जाता है, बोलता दूत कितनों पढ़ लो प्रथम तो मोहने होगा। एनसीएफ इसमें बहुत बड़ी लगाम लगाता है छात्रगण, एनसीएफ ये कहता है कि ऐसे बच्चों में जो बच्चा मूल्यों को व्याख्यान कर सके, जो कंसेप्ट का, जो लेसन्स का परतय दे सके, कंसेप्ट दे सके,
ऐसे बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास। ये अलग बात है कि एग्जामिनेशन लेवल पे वो लिख पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, लेकिन कंसेप्ट बेस अगर बच्चा अपने मूल्यों को प्रस्तुत करता है तो उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज देना है और उन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। ठीक है ना, लिखे ये पॉइंट भी लिख लीजिए। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, बदलाव आवश्यक है। अच्छे विद्यार्थी वो होंगे जो किसी भी तथ्य को, जो किसी भी तथ्य का तर्कपूर्ण जवाब दे सके, जो किसी भी तथ्य का तर्कपूर्ण जवाब दे सके। कहीं कोई दिक्कत? बहुत सुंदर, सुंदर से अगर छूट जाता है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, कोई बात नहीं ना? नेक्स्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगली पॉइंट चल रही है हमारा प्रमुख सुझाव में। आजकल गार्डियन का ये नॉर्मल सी बात हो गई कि वाह मेरा बच्चा सबसे अच्छा करे, सबसे अच्छा करे। आप देखते होंगे छात्रगण, आज इसी बॉदरेशन और इसी के चलते आज कितनी अनहोनी घटनाएं घट रही हैं। आप हर एक बार आप देखेंगे कि जब इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बोर्ड, इंटर, ये सब के रिजल्ट आते हैं और कितने बच्चे खुदकुशी कर जाते हैं छात्रगण। तो अभिभावकों को एनसीएफ सख्त संदेश देता है कि छोटी उम्र में ही बच्चों को निपुण बनने से रोका जाए। होनहार बिरवान के हो चिकने पात, जब बिरवान होनहार रहेगा तो वो अपने आप आगे बढ़कर के वो अपने आप को इसको ये कंप्लीट कर लेगा। इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन गार्डियन को बचपन से ही नहीं करना चाहिए। वो जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पर वो गुजरेगा तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा करने का प्रयास करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट शुड बी नोटेड डियर्स, डाजे को लिखिए। अभिभावकों को यह सख्त संदेश दिया गया है कि छोटी उम्र में निपुण बनने की, छोटी उम्र में निपुण बनने की आकांक्षा, छोटी उम्र में निपुण बनने की आकांक्षा रखना, आकांक्षा रखना गलत है। ओके, सो गार्डियन, अभिभावक निश्चित रूप से इन बातों को सीखेंगे। आप एक एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि एनसीएफ का क्या क्या सुझाव था। बस एक एक बार खाली पढ़ लीजिएगा, देखिए कुछ भी नहीं यार पेडागॉजी, एक एक बार खाली बस इसको रिवाइज करो खुद। बहुत कुछ अपने मन से आप जानते होंगे कि तमाम बातें सर हाँ ये सब इंप्लीमेंट होना चाहिए, इनमें जितनी बातें गई हैं कि किताबी दुनिया से बाहरी दुनिया से जोड़ो, ये तमाम अपने आप अकस्टम अप हो जाएंगे इन सबको करते करते। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर हमको हो जाएगा आई थिंक सेवन ना, या सेवन पॉइंट। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन तनाव मुक्त होना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए, नहीं तनाव मुक्त वातावरण, ऐसे लिखे तो लैंग्वेज लिरिकल और सुंदर लगेगा, तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। कक्षा में शांति का नियम, क्या बाप रे बाप टीचर आ गया एकदम पिन ड्रॉप बच्चा साइलेंट किया हुआ, नहीं, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं। अर्थात जीवंत कक्षागत, यहां सभी बच्चे अधिगम कर रहे हैं, सही बच्चे पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं, जीवंत लाइव एकदम जिसको कहा जाता है, तो अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को, जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हो गया एट नंबर पॉइंट। देखिए गांव में, टोलों में, मोहल्लों में, शहरों में, कहीं पर भी, जहां पर भी शिक्षा का मंदिर है, जहां पर स्कूल है, विद्यालय है, जहां पर शिक्षण का कार्य किया जाता है, वहां के लोकल समुदाय को इन्वॉल्व करने की यह बातें करता है। ये कहता है कि लोकल समुदाय हमें कुछ ऐसे मदद पहुंचा सकता है, जैसे सपोज कीजिए कि जो बहुत गरीब तबके का बच्चा है, जो जंगल में निवास करता है, उसके पास वो संसाधन विहीन है, वो किसी भी कीमत पर विद्यालय नहीं पहुंच सकता है,
ऐसे बच्चों के लिए वहाँ के लोकल बडीज, लोकल समुदाय, वो मुखिया हो सकता है, वो वार्ड सदस्य हो सकता है, वो कोई वहाँ का बहुत ही रिनॉल्ड पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वहाँ का दबदबा हो, ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेकर के, उस समुदाय का हेल्प लेकर के ऐसे बच्चों को उठाने का प्रयास करना है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करना है। तो इसके प्रमुख सुझाव में ये भी है, लिखिए डास्ते करके लैंग्वेज लिखिए, समुदाय को, आई थिंक हमको लगता है आठवां पॉइंट होगा, या समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का, मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दिया जाना चाहिए। मनुष्य को प्रयुक्त होने का अवसर दिया जाना चाहिए, लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करो, ये एनसीएफ जो है पूरी तरह से कहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नाइन पॉइंट लेंगे, विद्यालय स्तर पर, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, विद्यालय स्तर पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सीसीए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसको हम लोग बोलते हैं कि पढ़ने के अलावा कुछ खेल, कुछ कैरम, कुछ शतरंज, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मीन्स पढ़ाई के अलावे। तो विद्यालय में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। या दैट्स इट, बहुत सुंदर। आप स्कूल लेवल पर देखेंगे कि खेल में प्रतियोगिताओं का विकास है, एनसीएफ स्पष्ट उस पर रोक लगाता है और एनसीएफ कहता है कि खेल आनंद यानी रिक्रिएशन, अपने खुद में मजा, आनंद व सामूहिकता मतलब ग्रुप में दोस्ती, खेल एक बहुत बड़ा ग्रुपिज्म का चीज होता है छात्रगण, खेल के माध्यम से हम कई मित्र आपस में बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जिससे बच्चों को समूह में रहने का ज्ञान का प्राप्ति होता है। तो एनसीएफ स्पष्ट कहता है कि बच्चों में खेल आनंद व, लिखिए लाइन लिखिए फटाक से, नंबर 10 नंबर में, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना का प्रतीक है, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना का प्रतीक है, रिकॉर्ड बनाने, रिकॉर्ड रमे हर सही कमे का ड के ऊपर मेरे है ना, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना, रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना के उद्देश्य से, रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना के उद्देश्य से, रिकॉर्ड तोड़ने व बनाने की भावना के उद्देश्य से न किया जाए, रिकॉर्ड तोड़ने व भावना के उद्देश्य से ना किया जाए। खेल एक आनंद है, खेल को आनंद से खेला जाए और आनंद के साथ साथ इसे बहुत ही मजे से खेला जाए ताकि बच्चे प्रतिद्वंदिता का विकास ना हो। तब क्या होगा, बच्चा कुंठित हो जाएगा, उसे खेल में मन नहीं लगेगा और जब तक बच्चा खेलेगा नहीं उसकी फिजिकल एक्टिविटीज और उसके बौद्धिक विकास कहीं ना कहीं मारे जाएंगे छात्रगण और उनका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए खेल को प्रतिद्वंदता की भावना से ना देकर के आनंद व सामूहिकता की भावना से खेलने के लिए शिक्षकों को विशेष रूप से विद्यालय स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए छात्रगण। अगर इन बातों को हम इंप्लीमेंट करें तो एनसीएफ के जो लक्ष्य हैं छात्रगण वो निश्चित रूप से पूरे होते हुए नजर आते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट फटाक से, आप देखिएगा कि विद्यालय स्तर पर क्या होता है छात्रगण, कि किसी एक बच्चों को हम लोग असेंबली में बुलाते हैं कि विकास चलो तुम बोलो इसके बारे में, नहीं, हर एक बच्चों को उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। आज महेश बोला है, कल रमेश बोला, सपोज कीजिए विद्यालय स्तर पर क्वीज कार्यक्रम का आयोजन किया जाना, एक एक बच्चा को मौका दीजिए कि कल असेंबली में आकर के तुम कल 5 क्वेश्चन पूछे गए,
वो गलत बोले सही बोले उससे आपको मतलब नहीं है, उसको एकदम देना है। जब तक एक एक बच्चा को हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देंगे, बच्चा अपने आप में फ्लोरिश नहीं हो सकता है, इस बात का आपको ख्याल रखा जाना चाहिए। निचडास, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी मातृभाषा में, यह भी बात याद रखिएगा, यानी कि तुमको इंग्लिश में ही बोलना है ऐसा नहीं, उसकी मातृभाषा में ही वो अपना बोले, सो दैट कि उसे अपना अपने अंदर की क्षमताओं का वो विकास कर सके। छात्र नीचे डास्ते करके बच्चों की अभिव्यक्ति मातृभाषा में, मातृभाषा में रखने की, मातृभाषा में रखने की सलाह देने की बातें करता है, मातृभाषा में रखने की सलाह देने की बातें करता है। ओके, नेक्स्ट, एनसीएफ एकदम डायरेक्ट कहता है छात्रगण कि स्कूली लेवल पर जो पुस्तकालय है उसमें नहीं कि रमेश तुम फलाना पुस्तक ही लेकर के जाओ, नहीं, बच्चों को अपने मन की पुस्तकें चुनने का पूरी तरह से कवायद करता है छात्रगण एनसीएफ। एनसीएफ कहता है कि बच्चे अपने मन की किताबें चुन करके ले जाएं। देखिए कॉमन सी बातें हैं, बच्चा जब अपने मन की किताब लेकर के जाएगा तो कुछ तो सीखेगा यार, कुछ तो बच्चा पढ़ेगा। उद्देश्य यही है कि बच्चे को किसी विशेष विषय पर उसका ये हो, आंतरिक विकास हो और बच्चा अच्छा करने का प्रयास करे छात्र, ठीक है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुस्तकालय में बच्चों को, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने की, स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। और उसी में एक लाइन और जोड़ दीजिए कि वैसे पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं, उसी में जोड़ दीजिए, वैसी पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो बच्चों में अंतःक्रिया करने का मौका दे, अंतःक्रिया मतलब अपनी एक्टिविटीज, जो बच्चों में अंतःक्रिया करने का, अंतःक्रिया करने का मौका दे। ओके, नेक्स्ट, बस दो चार पॉइंट और होगा, बस आज हम लोग ये कार्य हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद इसका लक्ष्य जानेंगे छात्रगण नेक्स्ट में। कल्पना मतलब बच्चा कल्पना उड़ान ले, हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, कल्पना व मौलिक लेखन, देखा देखे नहीं कि इंटरनेट से निकाल लिया, गूगल से निकाल लिया, लिख करके उसी वाला उतार दिया, नहीं, कल्पना व मौलिक लेखन, कल्पना व मौलिक लेखन के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, कल्पना व मौलिक लेखन के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, कल्पना और मौलिक लेखन अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाए। बुलेट, बुलेट मतलब नीचे डैश, नेक्स्ट पॉइंट, हमको लगता है कि ये 16 नंबर का पॉइंट होगा, है ना, सजा व पुरस्कार, सजा व पुरस्कार। ऐसा नहीं कि एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो एकदम हाँ फलाना से रमेश इधर आओ पुरस्कार दे दिया, बार बार एक ही बच्चे को पुरस्कार दिया जा रहा है, इससे दूसरे बच्चों में हीन भावना के विकास होगी। अगर किसी बच्चे को बहुत आप मार रहे हैं तो बच्चे में हीन भावना के विकास होगा, इसलिए सजा व पुरस्कार का प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाए। नीचे डास देकर वो लाइन होगा छात्रगण, सजा व पुरस्कार, सजा व पुरस्कार की भावना को, की भावना का सीमित रूप में, सजा व पुरस्कार की भावना का सीमित रूप में प्रयोग किया जाए, सजा व भावना का, सजा व पुरस्कार की भावना का, सजा व पुरस्कार की भावना का, सजा व पुरस्कार की भावना का सीमित रूप में, सजा व पुरस्कार की भावना का सीमित रूप में प्रयोग किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए छात्र। ऐसा नहीं कि किसी एक ही बच्चे को पुरस्कार मिलते जाए दूसरा बच्चा उसे हीन भावना का विकास कर ले, ये बातें बिल्कुल एकदम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों के अनुभव, कोई बच्चा अपना अनुभव शेयर करने दे रहा है तो एकदम उसको मौका दीजिए। एनसीएफ स्पष्ट करता है कि कोई भी बच्चा अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो उसको मौका दीजिए। मींस मोटा मोटी तौर पे कहा जा सकता है कि बच्चों में सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, इसके लिए एनसीएफ हमें जोर देता है। नीचे पॉइंट उनको लेता 17 नंबर का पॉइंट होगा, या बच्चों के अनुभव
बच्चों के अनुभव व स्वर को, स्वर मतलब जो बोलना चाहता है, प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। बच्चों के अनुभव व स्वर को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।